हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24/7 पर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। यूपी पुलिस की नई भर्ती जो है, जो कि खेल कोटे से आई है, स्पोर्ट्स कोटे में आई है, इसमें अभी जो है आने वाली है। इस भर्ती का जो है सूचना दी गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। तो ये भर्ती बस जल्दी आ गई है। आयु में कितनी छूट मिलेगी, यूपीपी कांस्टेबल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। सीधी भर्ती आपकी जो आएगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी, सारी जानकारी इस में आपको इस भर्ती से संबंधित इसमें आपको इस भर्ती संबंधित अगर आपके आने वाली जो वैकेंसी यूपीपी कांस्टेबल का है वो कब तक आएगी, उसका क्या अनुमान लगा सकता है, कब तक वो आएगी, उसमें आयु में छूट वगैरह कितनी मिलेगी, उन सब पर इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखें, पूरा देखें, ताकि आपको पूरी जानकारी सही जानकारी हो सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फॉर एग्जाम 24 से उनको सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली और भी नोटिफिकेशन और सही जानकारी जो होती है वो अब तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए बेहतरीन बुक है सरस्वती प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड की बुक है, जिसमें 2100 प्रश्नोत्तरी दी गई है, 14 व्याख्यात्मक प्रश्न पत्र दिए गए हैं, 2 पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, 5 हाल प्रश्न पत्र और अलग से दिए गए हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन किसी भी स्टोर से आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट वगैरह से, और ऑफलाइन आपको कहीं भी आसपास के जो स्टोर होंगे जहां बिकती है वहां मिल जाएगी, और ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको ले सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, व्हाट्सअप का नंबर दिया है, वहां से भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। 3 दिन के अंदर इसकी डिलीवरी जो है आपको आपके घर पर मिल जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं व्याख्यात्मक हल बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिए गए हैं, बहुत सारे दिए गए हैं, और एक क्वेश्चन के साथ और भी 3-4 क्वेश्चन आपको व्याख्यात्मक हल में करा दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन में और भी जो भी आंसर्स पॉसिबल होंगे वो आपको बताए जाते हैं। इसके अलावा इनके टीजीटी हिंदी की और कला की दोनों की बुक, टीजीटी कला की आप बुक देख रहे हैं सामने है, यहाँ पर प्रश्न पत्र दिए गए हैं पुराने वर्षों के, भी बहुत सारे अध्यायवार इसमें हल प्रश्न पत्र दिए गए, आप इसको जरूर देख लें। अगर आप टीजीटी हिंदी से दे रहे हो तो हिंदी के लिए बेहतरीन बुक है, आप इसको भी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दे रहे हैं तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 4400 प्रश्नोत्तरी वाली श्रृंखला है, ये बेहतरीन बुक है, आप इसको 2009 से 2020 तक के इसमें प्रश्न पत्र पुराने दिए गए हैं, प्रमाण हल दिया गया है, तो आप इस बुक को देख सकते हैं, मार्केट से ले सकते हैं, कहीं से भी ऑफलाइन या ऑनलाइन। तो उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की वेबसाइट आप यहां पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के नागरिक पुलिस जो है वो पदों पर भर्ती निकली है, लेकिन उसमें जो क्या निकला है, कुशल खिलाड़ियों के लिए सीधी भर्ती निकली है। यानी कि अगर आप लोग कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है उसके बारे में देख लेंगे। टेंडर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की गई, यानी कि यह भर्ती जो है बहुत जल्द आने वाली है। इससे संबंधित जानकारी, कितने पद हैं वो इसी के अंदर इसमें दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे इस नोटिस में दिए गए 534 पदों पर जो है 534 पदों पर कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती हुई थी। ओपन टेंडर के माध्यम से एनसी को जो है निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया है। ठीक, तो ये भर्ती जो है वो कब तक आ सकती है, इस बारे में आप लोग कोई कह नहीं सकते हैं कि भर्ती ये कब तक आ सकती है। ऑफिशियल अपडेट तो अभी तक का ये है कि इसकी निविदा डाली गई है, 534 पदों पर जो भर्ती आने वाली है। कब तक आएगी उसके लिए तो यूपीपी कांस्टेबल के बारे में भी बहुत कुछ अभी हम लोग बात नहीं कर सकते, उस पर भी दिसंबर तक आसपास हम लोग कयास लगाते हैं, दिसंबर के आसपास जो यूपीपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, तो ये मान के चलें कि उसके बाद ही ये वैकेंसी आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। लेकिन आप लोग तैयारी करते हैं, ये भर्ती आपके लिए आने वाली है, इसमें ये जानकारी आपके लिए थी। इसके अलावा आप यूपीपी कांस्टेबल की भी बात करेंगे तो आयु में कितनी छूट मिलेगी, अगर हम लोग देखें तो इसमें आयु की छूट कितनी मिलेगी पता नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की आपकी जो भर्ती रही है यूपीपी कांस्टेबल वाली भर्ती में, आपको जो पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, इसमें आपको दो से तीन साल तक आपको छूट देखने को मिलेगी, क्योंकि 4 साल का गैप हो गया, 2 से 3 साल आपको छूट जरूर दिखेगी। क्वालिफिकेशन क्या होगा इस भर्ती के लिए, पर्टिकुलर जो भर्ती आपकी निकलने वाली है तो इसमें स्पोर्ट्स कोटे के लिए होता है तो सीधी भर्ती होगी। एक तो इसमें साफ साफ लिखा है कि ये सीधी भर्ती है, सीधी भर्ती का मतलब होता है सभी इसमें भर सकते हैं, लेकिन कौन लोग, जो लोग खिलाड़ी होंगे, खिलाड़ी संबंधित उनके पास एक विशेष कोई सर्टिफिकेट होगा वो लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो इसमें हर कोई भर सकता है, सीधी भर्ती है क्योंकि, लेकिन वही जिनके पास स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट हो, स्पोर्ट्स जिन्होंने कुछ कर रखा हो, तो क्वालिफिकेशन इसकी होगी। बाकी आपकी 12 जो क्वालिफिकेशन होती है वो हर जगह रहेगी। और जानकारी, बाकी की जानकारी अगर हम बात कर लें यूपीपी कांस्टेबल कब तक आएगी, तो वो दिसंबर तक आपको पहले बता चुका हूँ, तो दिसंबर के बाद ये मान के चले कि ये वैकेंसी अगले साल ही आने वाली है, वो मार्च और उसके बाद भी आएगी, उसके पहले वैकेंसी नहीं वाली आने वाली। तो ये छोटा सा वीडियो था आप लोगों के लिए, अगर आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और इसके अलावा आप हमारे फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप जुड़ सकते हैं, ताकि आपको जो भी आपकी सवाल होंगे डायरेक्ट आप हमसे पूछ सकते हैं, जवाब आपको जल्द से जल्द वहाँ मिल जाएगा, आप इन ग्रुप में जरूर जुड़ जाएँ। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर एग्जाम 24/7।